अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत अक्सर आपने हमारे घरों में बुजुर्गों से सुनी होगी। ये कहावत तब कही जाती है जब हम परेशानी के वक्त में एक और गलत फैसला कर बैठते हैं। आज देश में सुबह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनको देखकर ये कहावत अनायास ही बार बार याद आ रही है। एक तरफ कोरोना से जंग जीतने के लिए पूरे देश को घरों में सरकार ने कैद किया है, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए कुछ लोगों ने काफ़ी हद तक इस बात को माना भी है और लोग तमाम परेशानियों को झेलते हुए घरों में कैद भी हैं। लेकिन सरकार का एक गलत फैसला आज बता रहा है कि 22 मार्च से परेशानियां हम झेलते आ रहे थे, उन परेशानियों के खात्मे का वक्त अभी दूर है और हमारे संघर्ष के दिन सरकार ने नेकी कर कुआं में डाल वाली कहावत की जैसे कर दिए हैं। शराब की दुकानों के बाहर लगी जाहिलों की कतारें बता रही हैं कि जब काबिल पदों पर नाकाबिल लोग बैठकर रणनीति बनाते हैं तो हालात महाविनाशकारी दिखाई देते हैं। एक तरफ हमारे जाबाज कोरोना योद्धा हैं जो अस्पतालों में मरीज का इलाज कर रहे हैं, खुद संक्रमण की जद में आ रहे हैं। सड़क पर खड़े सेना और पुलिस के सिपाही परिवार को भूल देश के लोगों को समझा समझा कर थक चुके हैं कि आप घरों से बाहर मत आइए, और दूसरी तरफ सरकार के एक फैसले ने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तस्वीरों को देखिए और फिर याद करिए वो गाइडलाइन जिसमें सरकार ने कहा कि एक बार में सिर्फ 6 लोग ही शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दिखाई देंगे, लेकिन ठीक विपरीत हालात दिखाई दे रहे हैं। शायद सरकार भी भूल गई कि जिन लोगों को नियमों का पाठ सरकार पढ़ा रही है, कई देशों में इन्हीं लोगों को नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए मजाक का हिस्सा बनाया जाता है। सरकार कहने को तो कोरोना योद्धाओं के सम्मान में थालियां पिटवा चुकी है, दिए जलवा चुकी है और कल तो सेना से फूलों की वर्षा भी करवा दी, लेकिन अपने एक फैसले से उन तमाम कोरोना योद्धाओं का सरकार ने एक तरीके से अपमान ही किया है, जो बेचारे जान गंवा चुके हैं, जो संक्रमित हो चुके हैं और जो अब भी परिवार से दूर अस्पतालों में लोगों का इलाज कर रहे हैं। सरकार से शिकायत तो है ही, लेकिन अक्ल के अंधे इन गवारों से भी सवाल है कि एक घूंट शराब के लिए अपने बीवी बच्चों की बलि देने के लिए कतार में आकर खड़े हो गए। कोई अनपढ़ ऐसा करे तो समझ आता है कि उसे महामारी के नतीजों का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जब पढ़े लिखे जहालत दिखाने लगे तो सिर्फ माथा पीटने के अलावा कुछ नहीं बचता। खबरों के मुताबिक जब से लोगों को पता चला कि शराब के ठेके आज से खुलेंगे, अलग सा ही माहौल देखने को मिला। सुबह 4 बजे से ठेकों के सामने लोगों की कतारें लग गईं। कई कई किलोमीटर तक लोग इसलिए कतार में खड़े थे कि उन्हें शराब चाहिए। ये वो लोग थे जो दवा लेने की लाइन में बेहोश हो जाते हैं, राशन की लाइन में इन्हें सरकार नाकाम दिखाई देती है। ये वही लोग हैं जो बच्चों की फीस जमा करने के लिए कतार में लगने पर प्रशासन को 1000 गालियां देते हैं, लेकिन शराब जिसके पैकेट पर साफ लिखा होता है कि सेहत के लिए हानिकारक है, उसे खरीदने के लिए घंटों से कतारों में लगे हैं। शराब के जरिए बीमारी को खरीदने के लिए ना इन्हें सरकार नाकाम दिख रही है, ना इन्हें चक्कर आ रहे हैं और ना ही इन्हें प्रशासन पर गुस्सा आ रहा है, बल्कि हंसी ठिठोली के साथ कतार में लगे हैं और बीमारी खरीदने की बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सवाल सरकार से ये भी बनता है कि लोगों के इलाज के लिए सरकारी खजाने को खर्च किया जा रहा है, लोगों से दान मांगा जा रहा है क्योंकि आपके पास पैसों की कमी है, ऐसे में राजस्व बढ़ाने के लालच में हालात को भयावह बनाने के काम क्यों किए जा रहे हैं जिन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाए। अब तक जमातियों पर तमाम हो हल्ला किया जा रहा था कि उन्होंने कोरोना को बढ़ाया, अगर ये शराबी कोरोना को बढ़ा देते हैं तो फिर क्या सरकार खुद से सवाल पूछेगी कि ऐसा गलत फैसला क्यों किया। साथ ही पंगा भी उस वायरस से लिया जा रहा है जिससे निपटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा दिख रहा है। जब आग देश में लगेगी तो लपटें सरकारी बंगलों तक भी जाएंगी, क्योंकि ये वायरस किसी को नहीं छोड़ता और Z+ सिक्योरिटी भी इसे रोक नहीं सकती। तस्वीरें वाकई बहुत बड़ी मुसीबत का संकेत दे रही हैं और ये बता रही हैं कि अगर इन कतारों में एक भी शख्स संक्रमित हुआ तो ठीक 2 दिन के बाद देश में एक साथ लाखों की संख्या में मरीज निकलकर सामने आएंगे, तब राजस्व बढ़ाने वाली सरकार का ये फॉर्मूला सरकार के लिए ही सिरदर्द बन जाएगा और कतारों में लगे लोगों के परिवार के साथ साथ देश के तमाम नागरिक सिर्फ मौत का नंगा नाच देखने के लिए मजबूर होंगे।
क्योंकि हालातों को काबू करने के लिए न संसाधन है न दवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।